आमंत्रित करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी। कवासी लखमा जी के लिए मंत्री लखमा आज हमारे परस्पर संवाद में आपके सबसे सबका लाडले छत्तीसगढ़ के किसान का बेटा और रमन सिंह सर लगातार 5 साल लड़ने वाले और हमारे छत्तीसगढ़िया को यह जो उपस्थित स्वागत समारोह में मानी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मानी गोपाल बघेल साहब यहाँ पर उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दोनों और यहाँ पर उपस्थित हमारे बस्तर संभाग के सभी MLA साहबान और यह पत्रकार साथी और गांव से सरपंच पांच पत्रकार भाई अधिकारी कर्मचारी साथी सबको मेरे तरफ से नया साल का बधाई देता हूँ, राम राम करता हूँ। और हमारे बस्तर में चुनाव के समय देश का नेता राहुल गांधी जी अभी बस्तर में आया था, बस्तर के लोगों को बोल के गया था कि मेरा सरकार आएगा, कांग्रेस पार्टी का सरकार आएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार आएगा। और इसी बस्तर में लालबाग में बोल के गया था राहुल गांधी, इस सरकार ने किसान के पैदा को गोपाल बघेल को मुख्यमंत्री बनाया और छत्तीसगढ़ के लोग साथ यावा ले रहा है। और पहला सरकार होगा हिंदुस्तान में विधानसभा का दर्द नहीं पड़ा, तुम्हारा कर्ज माफ करने का गोपाल बघेल सबसे पहले दस्तखत किया है। दूसरा होगा कांग्रेस पार्टी का सरकार ने भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2100 रुपया देंगे, दान गरीबी करेंगे, रमन सिंह को सवाल वाला बाबा बहुत रखे थी। और पहला बार होगा हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री 2500 का दान कर रहे दे रहे हैं, इनको दान वाला बाबा बोल रहा है मुख्यमंत्री। किसान को यह किया है आज देश का चुनाव मैं बस्तर संभाग में 12 में 11 सीट जीता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का सरकार बना है। मैं अभी ज्यादा नहीं बोलकर हमारा मुख्यमंत्री अभी रिएक्शन जी बोल रहा था, मैं उस बात को समर्थन करती हुए सबसे पहले हम लोग बोले थे विधानसभा में हम बस्तर में हमारा सरकार आएगा सबसे पहले परवर शंकर ताला तोड़ेंगे, इस बात का हमारा मुख्यमंत्री समाज हम लोग रखते हैं। बस्तर का लोगों का इतने जुड़ा हुआ मामला है, बस्तर से परवर शंकर को जल्दी से जल्दी हल किया जाए, यही हम लोग का बस्तर के विधायकों का भी मांग है और जनता के भी मांग है। मैं ज्यादा नहीं बोल के यही बात कहना चाहता हूँ, आने वाला चुनाव लोकसभा चुनाव आने वाला है, हमारा सरकार जो घोषणा पत्र में किया था दान का रेट हो सही, कर्ज माफी हो, हमारा तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाना गया हो, हमारा लोडी गुड़ा का जमीन का मामला हो, हम लोग हमारे बस्तर में निर्दोष आदिवासी लोग को सब जेल में चूसा गया है, मुर्गा लगा करने वाले को बाजार देने वाले को उनको और भी हमारा सरकार जल्दी निर्णय लेगा, ऐसा मेरा मुझे उम्मीद है। तीसरी बात, मानी लोकसभा चुनाव होने वाला है, विधानसभा में हम लोग को जिताए हमारा नेता को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लेके रमन सिंह का लगातार लड़ा, रमन सिंह सरकार भूपेश बघेल का जमीन को रात को नापता रहा, कोई प्रोग्राम बना के जेल के बैठने का काम किया, भूपेश बघेल को कभी डरा न कभी चूका, रमन सरकार को ऊपर के बैठने
करने का काम किया है। फिर जरा मैं राष्ट्रपति भाई बोलना चाहता हूँ, अब 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, कोई भी अपने अगर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा यहाँ से बस्तर से लोकसभा सीट कांग्रेस को देना है। छत्तीसगढ़ में गुप्ता बगल मुख्यमंत्री बना है, दिल्ली में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। सबको नमस्कार, मैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।